रोमांटिक कपल लव स्टोरी। यह कहानी शुरू होती है अभी से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है कि मुंबई से पुणे जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। अभी 8 PM में आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। अभी काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले अभी को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब अभी उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे पुणे जाना है। अभी, मैं भी पुणे के आगे जा रहा हूँ बहन की शादी में। दोनों को ये ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी। अभी ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही थी। अभी दो चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की, थैंक यू। अब दोनों को चाय पीने लगते हैं। अभी, मेरा नाम अभी है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम सीमा है। अब रात के 11 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। अभी ने सीमा से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा सो जाती है। अब अभी की आंखों सीमा को ही देख रही थी। सीमा की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम सा चेहरा को देखकर अभी के दिल में कुछ होने लगा। अभी ने खुद को संभाला और सीमा की तरफ से अपनी नजर हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। अभी तुरंत जाकर सीमा को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। सीमा अभी से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? अभी, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करती हो? सीमा, मैं अभी मुंबई में से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और बातों ही बातों में सीमा ने अभी से पूछा कि आपकी शादी हो गई है? अभी मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं है। सीमा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अभी, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसे कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। सीमा, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। अभी, बिल्कुल आपकी जैसी। सीमा, मेरी जैसे ही क्यों? अभी, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। सीमा, अच्छा जी, ये बात है तो चलिए, अब हम आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फोन नंबर दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कॉन्टेक्ट कर सकूँ। अभी तुरंत अपना फोन नंबर सीमा को दे देता है। थोड़ी देर बाद सीमा सो जाती है, लेकिन अभी को नींद ही नहीं आती है। वो सिर्फ सीमा को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो उस अभी के दिल में सीमा के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। अभी उस पल अपनी आंखों को कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी सीमा से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन पुणे पहुंचने वाली थी। सीमा अभी से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अभी को थोड़ा उदास हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे दूर जा रहा है। ट्रेन पुणे स्टेशन पर रुकती है और सीमा मुस्कुराते हुए अभी को अलविदा कहती है। अभी ट्रेन की खिड़की से सीमा की तरफ देखता है। सीमा भी अभी को आखिरी बार पीछे मुड़ कर देखती है। उसके दिल में भी अभी के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन अभी भी सीमा को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अभी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है, उसका नाम सीमा है और यह उसका फ़ोन नंबर है। अभी ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और सीमा ने कॉल रिसीव किया। सीमा, तो लड़की कैसी लगी आपको? अभी, बहुत अच्छी लगी। सीमा, तो शादी करना चाहोगे? अभी, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। सीमा, तो आ जाओ पुणे। अब मानो अभी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी, अभी घर पहुंचने तक सीमा से ही बात करता रहा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल।